श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज का जो ये उपाय है बहुत ही विशेष और खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में खुशियां नहीं आ रही हैं, खुशियां आते आते रुक जा रही हैं, तो आप लोग ये उपाय अवश्य करें, पंच जल वाला उपाय। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है तो आप भादो मास के पहले मंगलवार 5 सितंबर को यह उपाय अवश्य करें, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक लोटे का कलश ले लेना है, तांबे का होना चाहिए, और फिर 2 बेलपत्री लेनी है आपको, और एक और कलश ले लेना है आपको। एक जो कलश लेना है आपको, उस कलश में आपको अपने किचन के मटके का पानी भरना है, या फिर किचन से पानी भर सकते हैं, और एक जो कलश लेना है आपको उसमें आप नॉर्मल पानी भर सकते हैं। फिर आप ये दोनों चीज लेकर आप मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद आप जैसे पूजा अर्चना करते हैं वैसे शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लीजिए। भगवान शिव की अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद फिर आप जो मटके का जल ले गए हैं और 2 बेलपत्र जो अलग से ले गए हैं, तो उसको क्या करें, पहले जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को चिकना वाला भाग अंदर और खुरदुरा वाला भाग ऊपर करके जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे चढ़ाएं, और चढ़ाकर और उस बेलपत्र का डंडी जो है वो जलाधारी के बाहर रहना चाहिए, और आगे का पत्ता का भाग जो है वो शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए। और फिर दूसरी जो बेलपत्र है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर छुआकर और फिर उसको आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, और शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार रखना है ताकि जो पत्ती का जो आगे वाला भाग है वो आपकी तरफ हो और डंडी वाला जलाधारी की तरफ। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने मन में कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पहले जलाधारी के ऊपर 5 बार जल चढ़ाना है, और फिर उसी तांबे के लोटे से आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बार जल चढ़ाना है, और फिर अपने दाहिने हाथ के उंगली से शिवलिंग को टच करना है, और टच करने के बाद उसे अपने माथे से लगाना है, अपने दोनों आंखों से लगाना है, और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।